नमस्कार। आज जो हमारी वीडियो है, मैं इस पे बना रहा हूँ कि कैसे हम बांसुरी के स्वरों को हम चेक करें, और मतलब कैसे उसको ट्यून करें अगर वन ट्यून है तो, और कैसे पता लगाएं कि उसमें किस किस स्वर में क्या क्या कमी आ रही है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्वर ले रहा हूँ, डी शार्प की मेरे पास ये बांसुरी है, और डी शार्प की बांसुरी पे बेस्ड ही मैं स्वर को लूँगा कि, और तानपुरा नहीं लगा रहा हूँ, सीधे जो एक एक जो नोट आता है डायरेक्ट सीधा नोट, उसको ही मैं यूज करूंगा। अभी डी शार्प हमारे पास स्वर आ गया है। अब देखिए, सबसे पहले स्वर मिलाते हैं, पहला सा, यहां पे हमारा स्वर मिल गया है। गा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा है, गा थोड़ा उतरा है, खूब जोर से मारनी पड़ रही है, चढ़ाना पड़ रहा है। थोड़ा इसको भी ट्यून करना पड़ रहा है। बहुत हल्का सा फर्क है, धा उतर रहा है, धा में ताकत लग रही ज्यादा। नी भी चढ़ाना पड़ रहा है, सा ही ऊपर का था। तो हमने देखा कि हमारा एक गा उतरा हुआ लग रहा है, धा उतरा हुआ लग रहा है, पा हल्का सा चेंज है, और नी भी उतरा हुआ लग रहा है। तो इन उतरे हुए स्वरों को तो हम चढ़ाएंगे, चढ़ाने के लिए कुछ, और रे में भी थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। तो चढ़ाने के लिए क्या कि जो बांसुरी के हमारे को होल्स दिखाई दे रहे हैं, तो जब हम इनको साइज में थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो वो स्वर चढ़ जाता है, ठीक है। और अगर चढ़ा हुआ है तो उसको कम करने के लिए होल को छोटा करना पड़ेगा, वो जो कि बहुत मुश्किल है, वो नहीं हो पाता है करने को। उसको भी करते हैं जैसे कि नीचे इसके रोल बना करके कागज भर दिया ऐसे अंदर से, फिर फेविक के साथ कई बार एक मटेरियल आता है पाउडर सा, उसको डाल करके पहले फेविक को डाल के होल को बंद करते हैं, फिर दोबारा धीरे धीरे होल को खोलते हैं, तो वो उतरा हुआ बनाया जा सकता है। बाकी अगर चढ़ाना है इसमें जैसे स्वर इसमें उतरे हुए हैं, तो इनको होल्स को हम रेगमार से हल्का हल्का से घिस करके चढ़ाएंगे। तो उसके लिए रेगमार हमारे पास आता है, ये कपड़े का रेगमार है, ये 120 नंबर का ये, ठीक है, है ना, और ये कहीं पे मिल जाता है, रोल टाइप में होता है, ये कपड़े का रेगमार होता है। इसको हम, इससे हम होल्स को थोड़ा थोड़ा बड़ा करेंगे, तो वो कैसे ट्यून होता है मैं आपको उसको भी दिखाता हूँ। तो कपड़े के साथ, कपड़े के रेगमार के साथ हम, मतलब इसका कपड़े का रेगमार क्या है, मतलब इसका बैग जो है वहाँ कागज नहीं है, कपड़ा लगा हुआ है, तो ये थोड़ा मोटा होता है, है ना। तो इसके साथ अभी हम इसको ट्यून करके आपको दिखाएंगे कि बांसुरी को हम कैसे ट्यून कर सकते हैं। चलिए ट्यून करते हैं। अब ये देखिए हमारा, जैसे ये हमने रेगमार इसमें यहाँ पे लगा दिया है, हम गा को ट्यून कर रहे हैं, ये गा है, और हम इसको घिसेंगे। और ध्यान रहे कि ऐसे अंदर की साइडों से इसको प्रॉपर घिसे, जिससे इसकी जवारी भी खराब ना हो जाए कहीं, ठीक है। नी भी इसका उतरा हुआ था, तो उसको भी हम यहां से ऐसे ऐसे करके घिसेंगे। फिर इसका जैसे धा भी हल्का सा उतरा हुआ था, धा को भी हम कर रहे हैं, घिस रहे हैं, जिससे कि स्वर चढ़ जाएगा।
घा भी हल्का सा उतरा हुआ था, तो उसको भी हम थोड़ा सा चून करेंगे। इसका ऐसे रोल बना करके अब ये पा को हम चढ़ाने के लिए उसको भी हल्का सा घिस रहे हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे कहीं ज्यादा ना घिस दें, क्योंकि बहुत जरा जरा सा ही फर्क था। अभी हमने इनको घिस के देखा है, अभी हम देखते हैं कि कैसा हमारा ये ट्यून हुआ है कि नहीं हुआ। और ये थोड़ा जैसे ये शार्प हो गए हैं जीजस के बांसुरी के, तो उनको ऐसे ऊपर से घिस करके शार्प एजेस को खत्म कर देंगे ऐसे। नहीं तो ये हाथ में चुभते हैं। ये देखिए अभी ठीक हो गए। अब हम इसको देखेंगे बजा करके कि हमारी बांसुरी प्रॉपर स्वर में अभी आई है कि नहीं आए, वो अभी हम चेक करेंगे। तो भैया आपने जैसे देखा मैंने इसको ट्यून किया रेगमार से घिस करके, इसके होल्स को थोड़ा बड़ा किया जिससे कि बांसुरी के स्वर चढ़े उतरे हुए थे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि ये सही से अभी पोजीशन पे आए कि नहीं आए। अब आप देखें कि ज़्यादातर ये मैक्सिमम मतलब जो है सुर में ठीक आ रही है बांसुरी। परफेक्ट तो 100% कोई भी बांसुरी ट्यून नहीं होती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक बांसुरी ट्यून हो जाती है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि पा में थोड़ा फर्क आ रहा है, बहुत थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना है, तो वो रहेगा ही बांसुरी के साथ, ये इशू रहता ही है। क्योंकि बांसुरी में जब भी मौसम का फर्क पड़ता है, जैसे सर्दियाँ होंगी तो बांसुरी में पंचम की साइड ज़्यादा फर्क पड़ता है, पंचम हल्का सा उतर जाए, बांसुरी अपने प्लेस से उतरती है। सर्दी होगी तो बांसुरी का स्वर उतरेगा, गर्मी होगी तो बांसुरी का स्वर हल्का सा चढ़ेगा। या कहें कि सर्दी में वो गर्मी में हम नॉर्मल बांसुरी जब खरीदते हैं तो गर्मी में वो नॉर्मल रहती है, सर्दी में आके वो थोड़ी उतर जाती है। तो जब उतरती है तो उस सिचुएशन में हमारे को पंचम में ज़्यादा फर्क दिखाई देता है, तो उस पंचम के फर्क को ओवरकम करने के लिए कि मतलब हमारा ठीक हो जाए, तो हम बजाकर नीचे के पंचम को भी ऐसे लेते हैं जिससे कि वो हल्का सा चढ़ जाता है, और हमारे को फूंक से उसको कंट्रोल करना पड़ता है उस पंच, और जो नॉर्मल पंचम आता है उसमें भी हल्की सी जोर से फूंक मारनी पड़ती है। तो बांसुरी में ये लिमिटेशंस हैं, क्योंकि ये एक बार जैसे ट्यून होकर के बन गई, इसमें कोई ये सितार तो है नहीं कि हाँ भाई स्वर उतराए चढ़ा तो ट्यून करा उसको, तार को कसाया या ढीला करा स्वर में मिलाया तो हो गया, या कोई भी गिटार का इंस्ट्रूमेंट हो गया संतूर हो गया कि वो हाथों हाथ ट्यून कर ली। बांसुरी ट्यून नहीं हो पाती, बांसुरी जैसी बन गई बन गई। तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमारे को हमारा कमांड है, हमारे को स्वरों को कंट्रोल करना पड़ता है। बांसुरी में प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि हमें लग रहा है कोई स्वर चढ़ा हुआ है उतरा हुआ है, तो उसको हम उसी टाइम कमांड के साथ अपना फूंक से चढ़ा सकते हैं, फूंक से उतार सकते हैं अंदर बाहर करके। बांसुरी ज़्यादातर अच्छी ही लेनी चाहिए, परफेक्ट नोट्स पे हो, जिससे कि हमारे को बहुत मिनिमल इसमें हमारे को जो है काम करने पड़े उसको ट्यून करने के लिए। बाकी अगर सिचुएशन आई गई है कि स्वर चढ़ उतर गया ही है, तो उसके लिए ये इस सिचुएशन में क्या करेंगे, जब स्वर उतरा हुआ है तो थोड़ा जोर से फूंक मारेंगे उसको चढ़ाएंगे, बाकी
जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि बांसुरी अगर आपके अनट्यून है तो उसको कैसे ट्यून में किया जा सकता है, चढ़ाया कैसे जा सकता है, तो चढ़ इस टाइप से जाती है। और उतारने के लिए फिर मैंने आपको बताया था कि उसके होल्स को थोड़ा बंद करना पड़ता है, तो उस तरीके से बांसुरी उतरेगी। ठीक है, तो ये तरीका है बांसुरी को ट्यून करने का, तो इस तरीके से आप अपनी बांसुरी को ट्यून कर सकते हैं। बाकी अगर ये है कि इससे भी कई बार ऐसा होता है कि बांसुरी कम्प्लीटली ही उतरी हुई है, तो टोटली ही बांसुरी अगर आपकी उतरी हुई है तो उसमें कुछ नहीं करना है, तब आपने फिर साग को कंट्रोल करना है। बाकी और सारे सुर ठीक है ना, तो साग को थोड़ा सा चढ़ा सकते हैं तो आपकी बांसुरी उससे भी कमांड में आ जाएगी। सा से ए टू जेड स्वर बदलेंगे, और पर्टिकुलर कोई स्वर, वैसे बांसुरी ठीक है, पर्टिकुलर कोई एक स्पेशल स्वर है जो उतरा हुआ है या चढ़ा हुआ, तो उसको फिर रेगमार से घिस करके या उसके होल को बंद करके चढ़ाया उतारा जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे कि मैं और आगे वीडियोस जो शेयर करूँगा वो आपके पास उसके नोटिफिकेशंस आते रहें। नोटिफिकेशन के लिए भी आप इसमें बेल आइकन को पुश कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके पास साथ जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।